और दोस्तों ये साबुत आम की लॉन्जी किस तरीके से बनी है और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट मिले हैं ये आप आगे वीडियो में जरूर देखें और वीडियो में ऐसे ही बने रहें। तो शुरू करते हैं साबुत आम की लॉन्जी बनाना। और यहाँ पर मैंने आम को पहले से ही बॉयल करके रखा हुआ था, इस तरीके से मैंने आम को अच्छे से बॉयल करके रखा हुआ था। और बॉयल करने के बाद मैं उसका जो पानी बचा हुआ है वो मैंने एक अलग से बाउल में निकाल के रखा है, ये हम बाद में यूज करेंगे, इसे वेस्ट नहीं करना है। तो अब हमें क्या करना है कि आम को अच्छे से हाथ से या फिर किसी से अब इसने और देख इस तरीके से मैंने इनके सारे छिलके निकाल लिए हैं और मैं यहाँ पर साबुत आम की लौंजी बना रहा हूँ एकदम अलग तरीके से। ये देखिए इस तरीके से क्या करना है, आम को बॉयल करने के बाद में थोड़ा ठंडा होने के बाद में हमें इस तरीके से उनके छिलके निकाल लेना है। और मैंने यहाँ पर लिया एक पैन हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 1 टीस्पून घी। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। और घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और सबसे पहले हमें इसमें ऐड करना है, मैंने यहाँ पे लिए 2 लहसुन की कली, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून लाई, 1 टीस्पून सौंफ और 1/2 टीस्पून मेथी। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें, हल्का सा हमें क्या करना है इन्हें रोस्ट कर लेना, इस तरीके से रोस्ट करना है। ये सारी चीज़ें हमारी अच्छे से रोस्ट हो गई हैं और अब हमें करना है यहाँ पे जो साबुत आम को इस तरीके इनके छिलके निकाल के रखा है उन्हें इसमें इस तरीके से आराम आराम करें जिससे कि तेल के छिटे हम पे ना पड़े। मसालों में हमें यहाँ पे ऐड करना है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक और 1/2 टीस्पून HDF मसाला, 1/2 टीस्पून एसडीएफ मसाला और इसे इस तरीके से मिक्स कर लें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे पानी बचा के रखा हुआ था उसे इसमें ऐड करना है। अब हम इसमें ऐड करना है एक गुड़ है पिसा हुआ इसमें हम डालेंगे ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसे ढक के रख देंगे, साबुत आम की लौंजी बनके तैयार हो जाए। और 2 मिनट हो गए और हम चेक करेंगे, ये देखिए साबुत आम की लौंजी हमारे बन के तैयार हो गई। और अब हम किसी स्टेज पे गैस को कर देंगे बंद और इसे अलग से बाउल में ट्रांसफर कर लें। और एकदम परफेक्ट तरीके से हमारे साबुत आम की लौंजी बन के तैयार हो गई। ये देखिए ये देखने में जितना लाजवाब लग रहा है ये खाने में उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। झटपट बनने वाला साबुत आम की लौंजी बनके तैयार हो गई। तो आपको हमारे आज की इस साबुत आम की लौंजी की रेसिपी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरी मेहनत और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि नई से नई रेसिपी सबसे पहले आपके पास में आएगी। आज की रेसिपी बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई रेसिपी के साथ।